विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली हार के बाद मंथन का दौर जारी है। इसी के मद्देनजर हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस की अहम बैठक का आयोजन सर्वहित सुधार भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने की। बैठक के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कुलदीप पठानिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन भारती, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार, अजय शर्मा, राजेश चौधरी, नीरज ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक में हार के लिए जिम्मेवार भीतरघातियों पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि बैठक में कांग्रेस की हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है और क्या कमियां रही हैं, सारी बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 2019 में लोकसभा चुनावों में किस तरह से कांग्रेस एकजुट होकर काम करे, इस पर भी रणनीति तैयार की जा रही है। आज जो है वो हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और इसमें जो हमारी हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो प्रत्याशी की हार हुई है उसके ऊपर मंथन किया जा रहा है कि क्या क्या कारण रहे और क्यों हम लोग हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जीतने से चूक गए, उनके ऊपर मंथन भी किया जा रहा है। साथ साथ में क्या क्या कमियां रहीं और जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके विचार की किन कारणों की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं उसके ऊपर, और आने वाले कल में हम लोग किन नीतियों के साथ और किस तरह से आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा के 2019 का चुनाव है, और किस तरह से हम संगठन को मजबूत करके अपनी यहां पर जीत सुनिश्चित कर सकेंगे, उसके ऊपर आज विचार किया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी रहे कुलदीप पठानिया ने कहा कि चुनावों के बाद हो रही पहली बैठक कार्यकर्ताओं से मंत्रणा की जा रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि कांग्रेस ने चुनाव हारा है लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा है। उन्होंने कहा कि बैठक में हार के कारणों पर भी चर्चा की जा रही है। बैठक का मेन एजेंडा यह है कि जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और जो उनका जो एक सफल प्रयास रहा है सीट को जिताने के लिए, उसमें हम कामयाब नहीं हुए, तो मैं कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी है ताकि उनको एक ऐसा ना लगे कि हम हारे तो हमें कोई पूछ नहीं रहा है। उस वक्त समय मैं यहाँ मीटिंग रखी है और उनके जो परिश्रम है, उन्होंने जो मेहनत किया उसका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और जो हमीरपुर क्षेत्र में जो लोगों ने वोट दिए हैं, ये जरूर है कि हम हारे हैं लेकिन हमारा वोट बैंक जो बड़ा है, और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो वहाँ का वहीं रहा है, वो नहीं आगे किसका, लेकिन जो हमारा वोट बैंक बढ़ा है उसके लिए भी ये सारे कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं और लोग क्षेत्र के मतदाता भी, उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें हार जीत का फैसला तो जनता करती है, जो जनता ने फैसला किया है वो हमारे सिर मत्थे है, उसको हम स्वीकार करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को आगे की जो चुनौतियों के लिए आगे बढ़ने के लिए जो हम जो आपस में बातचीत करके आगे चलने की प्रयास करेंगे।